हेलो गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अपने मोबाइल में मैंने अपना गेम टोर पर वॉइस चेंजर कैसे यहाँ पर ऑन किया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गर्ल वोमेन कार्टून यहाँ पर जो भी है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कैसे आप लोग ला सकते हो गेम टोर पर वॉइस चेंजर अपने रेडमी नोट 10S में। तो ये सब कैसे आ चुका है और आप लोग कैसे इसमें जो है वॉइस चेंजर करने के बाद आप लोग गेम प्ले कर पाओगे और कैसे इसमें गेम टोर को इनेबल करोगे, इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो जो एंड तक देखना और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इससे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वॉइस चेंजर मिल जाता है ऑप्शन और यहाँ पर क्लियर मिल जाता है मेमोरी का, आप लोग क्लियर कर सकते हो और फिर ये कर सकते हो। तो इसको आप लोग कैसे ला पाओगे, जैसे यहाँ पर स्लाइड करोगे तो यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है गेम टर्बो का ऑप्शन और यहाँ पर वॉइस चेंजर का। तो आप लोग कैसे ला पाओगे रेडमी नोट 10S में, चलो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले आपको बैक जाना है। तो यहाँ पर बैक जाने के बाद आप लोग जो है अपने मोबाइल में यहाँ पर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर अबाउट में जाना है। अबाउट में यहाँ पर आप लोग को देख लेना है, यहाँ पर देख सकते हो रेडमी नोट 10S है और यहाँ पर HyperOS अपडेट है, इसको जो आप लोग अपडेट कर लेना है अपने मोबाइल को। यहाँ पर देख सकते हो नो अपडेट अवेलेबल दिखा रहा है, तो आप लोग अपडेट कर लेना पहले। इसके बाद बैक जाना है, बैक जाने के बाद यहाँ पर आप लोग को एक मिलेगा सिक्योरिटी वाला ऑप्शन, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सिक्योरिटी वाला ऑप्शन है, तो इसको जो आप लोग अपडेट करना है। तो अपडेट इसको देख लो, यहाँ पर अपडेट करने के बाद यहाँ पर गेम टर्बो का ऑप्शन आ जाता है, अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद आप लोग को सिक्योरिटी वाला ऐप जो आपको ओपन करना है, ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा गेम टर्बो। गेम टर्बो इसको ओपन करना है ऐसे, उसके बाद ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर देख सकते हो प्लस वाला आइकन पे क्लिक करोगे और जो भी गेम होगा, जैसे मैं यहाँ पर हो चुका है तो यहाँ पर देख सकते हो फ्री फायर मैक्स यहाँ पर दिखा रहे, तो इसको इनेबल करना पड़ता है। इनेबल करने के बाद इसको बैक जाओगे, बैक जाने के बाद इसको गेम सेटिंग में जाओगे, यहाँ पर जो है मिलेगा गेम टर, इसको ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ से जाओगे इंटरनेशनल सेटिंग में, इसको कर देना है। उसके बाद यहाँ पर और कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को काम हो गया। और इसी में आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर गेम टर में जाना है, यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो स्लाइड में आप लोग यहाँ पर स्क्रॉल करोगे, आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा वॉइस चेंजर का ऑप्शन। अगर ये वाला नहीं आ रहा है तो कमेंट करो, आप लोगों में आ जाएगा। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो और कुछ पूछना चाहते हो कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं वीडियो बना दूंगा। तो बस इतना ही।